गुरुदेव परसों मिला था मैं आपसे। हाँ बेटा, जो मैंने फोटो देख के शादी का बताया था। हाँ। तो उनको बुलाया हुआ है मैंने एक बार, आप जो भी आज क्लियर कर दीजिए गुरुजी, बुलाया हुआ है उनको। बेटा मैं आपको सब क्लियर कर चुका हूँ, अब ये डिसीजन आप दोनों का है। अगर ये माता पिता के प्रति इसका स्नेह इतना ज़्यादा है कि वो कुछ हो ना जाए, तो फिर शादी इसे नहीं करनी चाहिए, आपको भी नहीं करनी चाहिए, क्यों पाप के दोषी बनो। इसीलिए उसको हम नहीं देख रहे थे, फट जाता है एक साथ। हाँ प्रणाम गुरुदेव। बताओ बेटा, बताइए। वो बताने से पहले एक बार आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुदेव। कल रात को 12 बजे तक चिकित्सा करी आपने, उसके बाद 4 बजे तक फिर दरबार के काम में सोते कब हो गुरुदेव? आप ही की दया है। सही है, मजे चलते रहते। आप नहीं होते तो क्या होता इतने लोगों का मालिक। सुबह तो हम लोग 3:30 बजे तो हम बाहर ही घूम रहे थे, पूरे दिन दरबार के काम में लगे रहना। धन्यवाद है बाबा आपका। खुश हो बेटा, प्रसन्न। गुरुदेव परसों मिला था मैं आपसे। हाँ बेटा। जो मैंने फोटो देख के शादी का बताया था। हाँ। तो उनको बुलाया हुआ है मैंने एक बार, आप जो भी आज क्लियर कर दीजिए गुरुजी, बुलाया हुआ है उनको। बेटा मैं आपको सब क्लियर कर चुका हूँ, अब ये डिसीजन आप दोनों का है। अगर आपने या उस बच्ची ने अपने माता पिता से पूछ करके एक दूसरे को स्नेह किया है, तो फिर माता पिता से पूछ करके ही शादी भी करनी चाहिए। और अगर बिना माता पिता से पूछ करके एक दूसरे को स्नेह किया है, तो फिर मेरे ख्याल से इसमें कहीं रुकावट नहीं है। अगर रुकावट समझ में आ रही है, तो फिर ये अपना पर्सनल फैसला है, ये फिर ये अपना पर्सनल ही है, ये है ना। हाँ गुरुदेव, माता पिता कहीं से नहीं आ रहे उसमें, पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हमें करना है या नहीं करना है ना। ठीक है गुरुदेव। और आप दोनों बालिग हैं, और ये संविधान आप दोनों को अधिकार देता है अपने निर्णय लेने के लिए, शादी करने के लिए अथवा ना करने के लिए। ना आप उसे बाध्य कर सकते हैं, ना वो आपको बाध्य कर सकती है, ना हम आप दोनों को बाध्य कर सकते हैं, है ना। हाँ। तो आप दोनों को तो हम यही सलाह देंगे कि बैठ करके एक अच्छे मित्र की तरह, अगर साथ रह सकते हैं, मन में रहता है कि साथ रह पाएंगे, तो फैसला ले लीजिए। कहाँ माता पिता इसमें कहाँ अड़े आते हैं, आप दोनों बालिग हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं चल पाएंगे लाइफ में आगे, तो संबंध विच्छेद करिए और मित्रता कायम रखिए। कोई दार्शनिक ने बोला है, हमने पहले बचपन में पढ़ा था, कि किसी से संबंध अगर आपके टूटे भी, तो इतना करके छोड़ना कि दोबारा से जुड़ सके, है ना। हाँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखो बस। तो उनको एक बात करनी थी, अगर एक मिनट के लिए बुला लें तो उनको। मैंने बुला सकते हैं, बुला लो, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, बुला लो। लेकिन चलो अच्छा बुला, ये वीडियो काट देना, अच्छा वीडियो नहीं जाएगा, बुला लो। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ गुरु जी। गुरु जी अभी तो मेरी हार्ट बीट्स बहुत तेज चल रही है, तो प्लीज जो मेरी इंटरनली बात चल रही है प्लीज आप वो समझ लो। हम पूरा समझ रहे हैं, हम पूरा इनको भी समझ रहे हैं, पूरा आपको भी समझ रहे हैं, अब आपको एक दूसरे को समझना है पूरा पूरा। हम तो समझे हुए। मैं ना मतलब अपनी फैमिली के अंगेंस्ट ना कुछ मतलब ऐसा कुछ मतलब उठाना नहीं चाहती कदम कि उनको आगे कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं अभी मैं अभी यही बोला हूँ कि अगर आपने ये स्नेह करने का फैसला आपस में अपने माता पिता से लिया था, तब तो माता पिता से शादी के लिए भी पूछो। अगर आपने फैसला माता पिता से करके नहीं लिया था एक दूसरे से स्नेह करने का, तो माता पिता कहाँ से बीच में आते हैं, पहली बात। दूसरा मैंने ये भी कहा कि आप दोनों बालिग हैं और अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और एज ए फ्रेंड दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके बड़े आराम से इसको हल कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दुश्मनी थोड़े ना है। एक दूसरे को क्या चाहते हो, खुश रहें कि दुखी रहें, चलो ये बताओ। खुश रहें। आप भी? आप भी चाहते हो ना खुश रहे? हाँ जी गुरु जी। वो भी चाहती है आप खुश रहो, तो वही दोनों बैठ करके डिसीजन लो कि दोनों खुश रहें, इसमें बीच में दुख। देखिए जब हम किसी को कहते हैं नहीं साहब हम तो इसी शादी करनी है, इसका मतलब है कि आप एकाधिकार चाहते हैं, आप अतिक्रमण कर रहे हैं किसी के लाइफ में। आप चीज़ों को एक दूसरे को एज ए फ्रेंड समझो, बैठ के उसका हल निकालो। इनको एक डर है गुरु जी की, जैसे मान लो हम करते हैं शादी तो अगर मम्मी पापा को कुछ हो ना जाए, ये चीज़ें। देखो बात अब क्या कहें, इसके लिए ज़्यादा बच्ची है,
माता पिता के प्रति जो प्रति प्रेम है जो वो स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल गुरुदेव, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि आप कुछ रास्ता निकाल दें, इसीलिए हाँ तो हमने तो रास्ता यही निकाला है कि आप दोनों ही इसके लिए आपस में बैठ के बात करें, है ना। ठीक है, तो अगर ये माता पिता के प्रति इसका स्नेह इतना ज़्यादा है कि वो कुछ हो ना जाए तो फिर शादी इसे नहीं करनी चाहिए, आपको भी नहीं करनी चाहिए, क्यों पाप के दोषी बनो। ठीक है, इसको थैंक यू करो और एक दूसरे को नमस्ते करके दोस्ती कायम रखो, मित्रता कायम रखो। वो अपनी शादी जहाँ माता पिता उसके करें करने दीजिए, आपको तमाम मिलेंगे जीवन साथी। ऐसा तो नहीं कि जीवन साथी नहीं, लड़कियाँ नहीं कोई और, एक स्नेह होता है। तो इसके लिए ये मान के चलो कि इसको कष्ट ना हो लाइफ में। सपोज माता पिता कुछ हो ही गया तो ना आप अपने को माफ़ कर पाओगे ना ये अपने को माफ़ कर पाएगी, ये भी तो है ना। तो इसको हम चाहते हैं कि आप लोग अपना स्वयं निर्णय लेंगे, बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो।